morning, kids. How are you? I know you all are fit and fine and doing your work with full interest. तो आपको पता है ना ये आपके रिवीजन डेज चल रहे हैं, हम सारा कुछ रिवाइज कर रहे हैं। कल आपकी इंग्लिश की असेसमेंट हो चुकी है ना, अब आपने मैथ्स की रिवीजन करनी है। मैथ्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं ना, रिमेम्बर टॉल शॉर्ट बिग स्मॉल। तो कैसे किया था मैम ने आपको सिखाया था ना, टॉल शॉर्ट टॉल शॉर्ट, ऐसे ही मैम ने बिग स्मॉल बिग स्मॉल। तो बिग स्मॉल के बाद हमने फाइव कलर्स किए थे रिमेम्बर, रेड कलर येलो कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर, फाइव कलर्स कर चुके हैं ना हम लोग। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ऑड मैन आउट एक्टिविटी की थी रिमेम्बर, जब मैम ने थ्री ऑब्जेक्ट्स रखे थे उनमें से जो ऑड था उसको पिक करके आउट कर दिया था। तो आज हमने ये सारा कुछ रिवाइज करना है। सबसे पहले हम क्या रिवाइज करेंगे, टॉल शॉर्ट। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग टॉल शॉर्ट की रिविजन करेंगे। टॉल शॉर्ट की रिविजन के लिए आपने क्या करना है, मम्मा ने आपकी हेल्प करनी है। मम्मा ने आपकी नोटबुक पे एक टॉल पेंसिल बना देनी है एंड एक शॉर्ट पेंसिल बना देनी है। तो आपने क्या करना है, इसमें से मम्मा बताएंगे, मम्मा अगर बोलेंगे कि ओनली टॉल वन में आपने कलर करना है तो आप टॉल वन में करोगे, अगर मम्मा बोलेंगे शॉर्ट वन कौन सा है शॉर्ट वन में कलर करो तो आपने शॉर्ट वन में कलर करना है। तो इससे आपकी टॉल एंड शॉर्ट की रिविजन होगी। आप पेंसिल भी बना सकते हो, इसके अलावा आपके मम्मा ट्री भी बना के दे सकते हैं आपको, एक टॉल ट्री और एक शॉर्ट ट्री। तो ये मम्मा बताएंगे आपको कि आपने टॉल वन में कलर करना है या शॉर्ट वन में कलर करना है, जो मम्मा बोलेंगे आपने उसी में कलर करना है। और बार बार मम्मा को आपने बताना है विच वन इज टॉल विच वन इज शॉर्ट, ओके, तभी आपकी टॉल एंड शॉर्ट की रिविजन होगी। तो देखा बेटा हमने कैसे टॉल शॉर्ट रिवाइज किया अपना, है ना। रिमेम्बर हमने कलर पॉन्ड गेम खेली थी कलर्स की रिविजन के लिए, तो अब देखते हैं कि कलर्स की रिविजन मैम कैसे करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा आज की हमारी एक्टिविटी का नेम है जंप इनटू द कलर पॉन्ड। अभी तक हमने फोर कलर्स की रिकॉग्निशन कर ली है, देखिए ग्रीन कलर रेड कलर येलो कलर एंड ब्लू कलर। मैम ने इस टब में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, इन चारों कलर्स के ऑब्जेक्ट्स मैम ने मिक्स करके टब में डाल दिए। अब वन बाय वन मैम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, उस कलर के पास जाएंगे और उसमें उस ऑब्जेक्ट को रख देंगे। एक्टिविटी का नेम है जंप इनटू द कलर पॉन्ड। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ऑब्जेक्ट उठाना है कलर पॉन्ड के पास जंप करना है और उसमें रख देना है ऑब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। माय फर्स्ट कलर इज ग्रीन कलर। अब हम ग्रीन कलर के पॉन्ड के पास जाएंगे, जंप करेंगे और इसके अंदर ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट्स रख देंगे। उसके आफ्टर अब फिर से कुछ ऑब्जेक्ट उठाएंगे, यस दिस इज ब्लू कलर। अब हम ढूंढेंगे ब्लू पॉन्ड कहाँ पे है, ये रहा, ब्लू पॉन्ड के पास जाके जंप करेंगे और ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट उसके अंदर रख देंगे। नाउ आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज येलो कलर। विच कलर इज दिस, दिस इज येलो कलर। गो टू येलो पॉन्ड, जंप ओवर इट एंड कीप द येलो ऑब्जेक्ट ऑन दैट। Again, pick up one object, red color. Which color is this? This is red color.
कीप इट ऑन रेड पॉन्ड। देखा आपने, मैम ने ऑब्जेक्ट्स उस कलर के ऊपर रख दिए। अब इसी तरह सारे ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन मैम उठाएंगे और कलर पॉन्ड्स में रखते जाएंगे। सेम इसी तरह आपने भी एक्टिविटी करनी है। तो देखा आपने, मैम ने सारे ऑब्जेक्ट्स कलर के अकॉर्डिंग कलर पॉन्ड्स में डाल दिए। देखो, रेड में रेड डाल दिया, येलो में येलो डाल दिया ऑब्जेक्ट्स, ब्लू पॉन्ड में ब्लू ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रीन पॉन्ड में ग्रीन ऑब्जेक्ट्स। अब मैम का टब देखे जरा, अरे ये तो बिल्कुल एम्प्टी हो गया। सारे ऑब्जेक्ट्स उनके प्लेस पे रख दिए। सेम इसी तरह आपने ये एक्टिविटी करनी है और मैम को भी सेंड करनी है। टुडे आवर टॉपिक इज ऑड मैन आउट। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज ऑड? ऑड मीन्स डिफरेंट। सर्कल द डिफरेंट वन, क्रॉस द डिफरेंट वन, वी ऑलरेडी हैड डन दिस टॉपिक ना इन आवर फन विद मैथ्स बुक। अब आज भी हमने इनमें से देखना है विच वन इज ऑड और डिफरेंट। सी, सर्कल शेप बॉक्स, रेक्टेंगल शेप बॉक्स, अगेन सर्कल शेप बॉक्स, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल? यस, दिस वन इज डिफरेंट। रेक्टेंगल शेप बॉक्स इज डिफरेंट। सी, टूथब्रश, टूथब्रश, कॉम, विच वन इज ऑड? Yes, comb is odd. Odd man out. Onion, tomato, tomato. Which one is odd? Onion is odd. Odd man out. Cup, tiffin, cup. Which one is odd? Tiffin is odd. Odd man आउट। है ना मजेदार एक्टिविटी? ऑड मैन आउट मीन्स डिफरेंट वन आउट। ऑड का मतलब डिफरेंट है, तो आपने जो भी डिफरेंट है उसको अलग कर देना है। चलिए अब आप भी अपने घर में से कुछ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे कीजिए जो सेम हो और उनमें एक डिफरेंट रख के आपने ये एक्टिविटी करनी है। ओके, इंटरेस्टिंग थी ना ऑड मैन आउट एक्टिविटी भी? तो हमने सारा कुछ मैथ्स में रिवाइज किया। अब आपने घर पे मम्मा के साथ भी ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं और आज आपने एक काम और करना है। अपनी हिंदी बुक में से आपने हिंदी की क से अंगा खाली तक रीडिंग करनी है और रीडिंग करते हुए आपने मम्मा से वीडियो बनवानी है और वो वीडियो मैम को सेंड करनी है, बिकॉज आपकी हिंदी असेसमेंट में उसके ग्रेड्स लगने हैं। तो प्रॉपर वे में रीडिंग करनी है, छोटी सी वीडियो बनानी है, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, और मैम को आज ही सेंड करनी है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।